दोस्तों, यदि आप भी अभी तक अपने आधार कार्ड में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी आइडेंटिटी और अपनी एड्रेस के प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि UIDAI द्वारा जो इसकी अंतिम तिथि थी वो अब बढ़ा दी गई है। अब आप 14 दिसंबर 2024 तक अपनी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी और आपके एड्रेस की अपडेट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको बता दें कि इसको अपडेट करने के लिए 50 रुपये का चार्ज लगता है, लेकिन आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप अब यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे UIDAI लिख के सर्च करना है। सिंपली नीचे यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आधार अपडेट सर्विस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आधार अपडेट सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, एक नया पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट का ही आपको पोर्टल मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो है कि आप डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक इंस्ट्रक्शन शो होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14 दिसंबर 2024। यानी जो इसकी अंतिम जो तय तिथि बताई गई है वो 14 दिसंबर 2024 तक बताई गई है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड में अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन और मिल जाएंगे कि पहला तो यहाँ पे ये मिल जाएगा कि व्हाट टू सबमिट, यहाँ पे यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर पाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट होगा जो आप यहाँ पे सपोर्टिंग के तौर पे आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो पहला यहाँ पे बताया गया है राशन कार्ड, दूसरा बताया गया है वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट हैविंग एड्रेस एंड यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट सर्व एंड प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी और सीनियर स्कूल मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग फोटोग्राफ, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट सर्व एज ओनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके अलावा भी नीचे बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी या वाटर गैस बिल का जो लास्ट का 3 मंथ का जो है कि आप रसीद भी यहाँ पे दे सकते हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेंट का जो है कि आप प्रूफ कुछ दे सकते हैं, या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सर्व एज प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप दे सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर नीचे जो लिंक दी गई है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगी। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह PDF आपको डाउनलोड पर टैप कर देना है। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाने वाली है। जैसे यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो कि पहले ही मैंने ऊपर बता दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है कि अपलोड कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी एड्रेस की प्रूफ के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ कैन आई सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आप कैसे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप सबमिट कर सकते हैं, माई आधार पोर्टल यानी अभी जो हम UIDAI की ऑफिशियली साइट जो ओपन किए थे उस पर भी जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री में बिल्कुल आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। और दूसरा, आप चाहें कि ऑफलाइन तरीके से आप जो है कि अपलोड करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे कुछ पैसे भी आपको जो है कि देने पड़ सकते हैं, जैसे कि 50 रुपये चार्ज किया जाता है आधार सेंटर वालों की तरफ से, तो वहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमको ऑनलाइन तरीके से सबमिट करना है अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चौथे नंबर जो यहाँ पे कॉलम है उसको आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो हाउ कैन आई सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गो टू जो myadhar.uidai.gov.in की जो ऑफिशियली साइट है उस पर आपको विजिट करना होगा एंड लॉग इन असिंग योर आधार नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड, यानी OTP के द्वारा और आधार कार्ड नंबर के द्वारा आपको जो है कि रजिस्टर्ड सबसे पहले होना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको जो है कि OTP सेंड की जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेक योर आइडेंटिटी एंड यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स डिस्प्ले टू इन योर प्रोफाइल, यानी आपको प्रोफाइल जो यहाँ पे ओपन होगी उसमें आपको आइडेंटिटी एंड एड्रेस की जो डिटेल्स है वो एक बार चेक कर लेनी है। इफ़ यदि द डिटेल्स डिस्प्लेड इन योर प्रोफाइल आर इनकरेक्ट, टेक एन एक्शन एंड डिस्क्राइब इन रिस्पॉन्स टू ओनली 5 बिलो, जो नीचे बताया गया है उसमें आपको जो है कि करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो करेक्ट है, यानी आपका जो ऊपर बताया गया है वो अगर सब चीज़ सही है, यानी जो वहाँ पे डिस्प्ले प्रोफाइल आपका जो ओपन होगा तो वहाँ पे आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, वहाँ पे आप टैप करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट यू विश टू सबमिट, यानी वहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी ड्रॉप डाउन आपको करना है। उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट का फाइल ओपन होगा, आप जिस भी गैलरी में या PDF में रखे होंगे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, उसकी जो साइज़ यहाँ पे बताई है कि अपलोड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट उसकी 2 MB की जो नीचे ही होनी चाहिए उसकी साइज़, JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द एड्रेस डॉक्यूमेंट फॉर द ड्रॉप डाउन, उसके बाद आपको आइडेंटिटी के लिए प्रूफ अपलोड कर देंगे, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपको देना पड़ेगा, उसका भी सेम प्रोसेस है, PDF में, JPG में आप अपलोड कर सकते हैं, 2 MB से कम होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे है ऊपर मैंने बता चुका है। उसके बाद 9th कॉलम में बताया गया यहाँ पे सबमिट योर कंसेंट, यानी फाइनली आपको सबमिट कर देना है अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस की प्रूफ की डॉक्यूमेंट को।
तो ये जो है कि अभी यूआईडीएआई द्वारा जो अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो जितने भी धारक यहाँ पे हैं, अगर वो अभी तक अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप जो है कि देरी ना करते हुए आप बिल्कुल फ्री में माई आधार पोर्टल में ऑफिशियली uidai.gov.in ऑफिशियली वेबसाइट विजिट करेंगे और इन स्टेप बाय स्टेप तरीकों से आप जो है कि अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।